वेलकम टू जेन ट्यूटोरियल्स। इट इज जेन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टुडे स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर। इट इज वीडियो नंबर 12। वीडियो नंबर 1 से लेकर 11 तक देख लिए होंगे तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, पॉलिच फार्मूला, हूंस रूल वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ बचा हुआ है, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक बचा हुआ हार्डन स्पेक्ट्रम, और चैप्टर खत्म होने वाला है। बहुत लंबा चैप्टर था तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ साइंटिस्ट का नाम है। तो सबसे पहले इसने बताया था कि जो लाइट जो होता है, या लाइट को हम लोग फोटोन भी बोलते हैं, सनलाइट, फोटोन, लाइट या फोटोन हैज, ध्यान सुनिएगा क्या है, टू नेचर, दो नेचर होता है। सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइट या फोटोन, फोटोन बोलिए, लाइट बोलिए, चाहे उसका एनर्जी बोलिए, हैज टू नेचर। एक को बोलते हैं हम लोग वो वेव की तरह होता है, वेव नेचर, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। उसने बताया था कि लाइट या फोटोन जो होता है उसके दो नेचर होते हैं, दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक को बोलते हैं वेव नेचर और दूसरे को बोलते हैं पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, ड्वाल नेचर बोलते हैं, ड्वाल नेचर। लाइट का दो नेचर होता है, जब भी सनलाइट ट्रेवल करता है तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो इसको कनेक्ट किया था, है ना। इस थ्योरी का नाम है, फिजिक्स में पढ़िएगा आप, ड्वाल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, जो फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़िएगा। लेकिन हम लोग को अभी बस ये बताना है कि लाइट का दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इस इन दोनों को कनेक्ट करके दिखाया था एक रिलेशन, और प्रूफ भी किया था, प्रूफ करने भी एग्जाम में आता है। डी ब्रोगली स्टेट दैट, क्या बताया उसने कि जो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम बहुत बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल का या लाइट में जो पार्टिकल है उनका, इज द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी द वेवलेंथ इज द वेवलेंथ, मालूम है वेवलेंथ से बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे और ट्रफ, ये जो दूरी होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ इज द कांस्टेंट रेशियो ऑफ एच और पी, वेयर पी क्या है, मोमेंटम, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखिए लैम्डा वेवलेंथ क्या बता रहा है, वेव नेचर बता रहा है, और किसी में अगर मास है तो वो पार्टिकल होता है। तो दोनों नेचर होता है लाइट में, ये दोनों नेचर है। तो वेवलेंथ जो होता है, इसको प्रूफ करने भी एग्जाम में आता है, ध्यान सुनिए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, याद हम लोग पढ़ चुके हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, पिछला वीडियो देखे होंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम एक्चुअली में क्या बता रहा है हम लोग को, कि वो पार्टिकल है, कोई पार्टिकल में ही मोमेंटम हो सकता है, फिजिक्स पढ़े होंगे। और लैम्डा जिसमें वेवलेंथ होता है उसी को वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं। तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम, ये दोनों को कनेक्ट किया था ये रिलेशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया। बाद में पढ़िएगा फिजिक्स में इन क्लास 12th, ड्वाल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। इसको हम प्रूव करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाकर दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। तो ये वेवलेंथ इज द रेशियो ऑफ एच बाई पी, बस एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है, मोमेंटम, या एच बाई एम भी। और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर रहता है तो एम इंटू सी भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बी बता वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एम भी लिखेंगे, लेकिन लाइट जब रहेगा सनलाइट को सी लिखा जाता है वेलोसिटी में, तो एम सी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम भी, एच बाई एम सी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको स्टेब्लिश करना बहुत ईजी है, देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, एग्जाम में भी आता है। वी है, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू, पढ़े कभी आइंस्टीन थ्योरी है, एम सी स्क्वायर, किसी बॉडी का एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ, आज तक कोई इसको प्रूव नहीं कर पाया लेकिन हम लोग यूज करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गिवन बाय कौन, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम क्या है, मास, एंड सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट।
ऑल्सो इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ई जो है वो डिपेंड करता, याद है एच न्यू पढ़े हम लोग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, दोनों सेम चीज, दोनों तो एनर्जी है, एनर्जी इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, दोनों कंपेयर कर दीजिए, एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज क्या है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू का वैल्यू क्या होता है पढ़े कभी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है टाइम, वेलोसिटी को सी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेमडा, और वन बाई टाइम को ही न्यू बोलते हैं, वन बाई टाइम को न्यू बोलते हैं, तो न्यू का वैल्यू क्या होगा सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी फ्रीक्वेंसी, ध्यान देखिए न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, पढ़ चुके हैं हम लोग, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, सी को वेलोसिटी बोलते हैं लाइट के लिए लेमडा, और 1 बाई टी को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पर टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं पर सेकंड, सी तो सी इक्वल के भूल गए थे तो मैं आराम से रिलेशन निकालते हैं, सी इज इक्वल टू लेमडा न्यू, न्यू निकाला सी बाई लेमडा, कट जाएगा क्या बचेगा एम इंटू सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, लेमडा इधर ले आइए तो क्या होगा एच बाई एम इंटू सी, यही है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बी भी लिखा होता है डी ब्रोगली, इस बात को डी ब्रोगली बताया था इसलिए नाम पड़ गया एच बाई बी, इलेक्ट्रॉन सबके लागू होता है एम इंटू सी, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पी को एम इंटू बी भी लिख सकते हैं हम लोग, बस सिंपल सा फिर देख लिए, वी हैव आइंस्टीन थ्योरी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और उसके अलावा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हम लोग, ई इक्वल टू एच न्यू, दोनों से एनर्जी दोनों कंपेयर कर दिए, वन इक्वल टू टू कर लिए, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, एक सी न्यू का वैल्यू क्या था सी बाई लेमडा, कैसे होता है न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सी का वैल्यू क्या हुआ लेमडा न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, एक सी कट जाएगा एम सी इक्वल टू एच बाई लेमडा, लेमडा इधर आ गया एच बाई एम सी, एम इंटू सी क्या था पी या मास इंटू वेलोसिटी, सो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम भी, दिस इज कॉल्ड dual nature, ये रिलेशन है dual nature ऑफ लाइट के लिए, इसको सिंपल सा क्वेश्चन में बना के दिखाते हैं, न्यूमेरिकल एकदम सिंपल सा एग्जाम में आता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, Whose velocity is 2.4 into 10 का power 5 meter per second इस order में है, तो उसका wavelength कितना होगा, Also find its energy and frequency, simple simple question है, बस electron के बारे में दिया हुआ है कि velocity of electron दिया हुआ है 2.4 10 to power 5 meter per second, और जो ये टॉपिक जो पढ़ लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ और उसको लेमडा निकालना है, तो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन होता है लेमडा, क्या होता है लेमडा, फर्स्ट क्वेश्चन लेमडा निकालना क्या होगा h by p, p को क्या लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, अब बोलिए h का वैल्यू क्या है 6.6 आगे नहीं लिख रहे 6.6 काफी है, 10 का पावर by mass of electron 9.1 एग्जाम में दिया रहता है मत घबराइएगा -31 और भी इधर velocity of electron दिया हुआ है, किसी orbit में electron घूम रहा होगा तो उसके घूमने से वेव बनता है 2.4 10 का पावर 5 इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, तो कितना हो गया velocity equal to 6.6 कर दें 6 से कर दें 1.1 0.4 तो कितना हो गया 1.1 into 10 का पावर -34 ऊपर गया +31 ऊपर गया 10 का पावर -5 by 41 जब 4 3.64 understood तो wavelength is given by 1.1 by 3.64 10 to power 31 माइनस 36 इसे 39 माइनस 8 जीरो पॉइंट ऑलमोस्ट 3 आएगा 0.3 10 टू पावर माइनस 8 मीटर इसको बहुत छोटा यूनिट था इसको आर्मस्ट्रांग भी बोलते हैं हम लोग
10 का पावर 10 आर्म स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मीटर. आर्म स्ट्रॉन्ग में भी आंसर लिखने आता है कभी कभी, 10 का पावर 10 आर्म स्ट्रॉन्ग, मतलब 1 मीटर में 10 का पावर 10 आर्म स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसको मीटर को चेंज करना है ना, तो 1 आर्म स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 10 मीटर को भी बोलते हैं. तो अगर मीटर में बोले तो यही आंसर है, और आर्म स्ट्रॉन्ग में बोलेगा तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, 0.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 इंटू 10 का पावर 10 कर देंगे ना, तो मीटर विल चेंज इन आर्म स्ट्रॉन्ग. साइंटिस्ट नेम आर्म स्ट्रॉन्ग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस. 10 का पावर 10 मीटर, सॉरी 10 का पावर 10 आर्म स्ट्रॉन्ग मेक्स 1 मीटर. तो कितना आंसर आ गया, 0.310 का पावर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग या 300 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है. तो ये बस रिलेशन जानेंगे तो आप इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर में क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है. नोट कीजिए, बता रहे हैं, अंडरस्टूड, नोट कीजिए. इसी क्वेश्चन में एनर्जी निकालने आ गया. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इन द ऑर्बिट विथ वेलोसिटी. तो कौन सा यूज करेंगे, बोलिए. सेकंड नंबर एनर्जी निकालना है, तो क्या हुआ, एच न्यू यूज कर लीजिए, है कि नहीं. एच अब न्यू कैसे निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय क्या होता है, वेवलेंथ. न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वैल्यू पुट कर दीजिए, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए जो हम लोग निकाले, बोलिए क्या एच कितना है, 6.6 10 टू पावर माइनस 34. वेलोसिटी कितना दिए थे हम क्वेश्चन में, 2.4 10 टू पावर 5. और वेवलेंथ कितना निकाले हैं मीटर में, 0.3 इंटू 10 का पावर 8. इसको यूज कर लीजिए. सॉल्व कर लीजिए, आएगा आंसर 6.6 काटेंगे तो कट जाएगा 20 से, 20 इंटू 2.4 तो होगा 4.8 कर लिए, 10 इससे ले लिए 6 और 8 14 माइनस 34 और 10 का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 22 इंटू 24 करेंगे तो कितना, 24 टू जब 48 52.8 10 का पावर माइनस 34 10 का पावर 5 और 10 का पावर 8 52.8 इंटू 10 का पावर माइनस 34 में 13 गया माइनस 21, क्लियर है. ये आप बोल सकते हैं 5.28 इंटू 10 का पावर माइनस 20. ये आंसर जूल में होता है. इसका यूनिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने आता है, ध्यान सुनिए, एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत कम है, ये बहुत कम, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19. तो अगर आपको इन इलेक्ट्रॉन, ये जूल में आंसर आएगा, अगर इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा कन्वर्सन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एनर्जी जो होता है वो ई भी लिखना चाहिए. ये बहुत कम एनर्जी है. तो 1.6 10 का पावर माइनस 19 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा ई भी में बन जाएगा और आंसर आएगा 5.2 ऑलमोस्ट 648 48 3.4 10 का पावर ऊपर गया माइनस 1 या 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं. तो एग्जाम में अगर जूल में आएगा तो इस तरह से बना लीजिए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इस तरह से बना लीजिए, नोट कर लीजिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहीं पर आंसर है. न्यू निकालना है तो वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा. वेलोसिटी कितना है, 2.4 10 का पावर 5 बाई वेवलेंथ कितना है, 0.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8
काटेंगे तो कट जाएगा 8 टाइम्स में 8 इंटू 10 का पावर 13 हर्ट्ज पर सेकंड। इधर आराम से फार्मूला यूज करना चाहिए। तो क्या क्या फार्मूला निकल गया, देखिए लेमडा निकालना है तो एच बाई पी एच बाई एम भी इसी को यूज करना चाहिए, सबसे एक्यूरेट बनता है। और वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वेलोसिटी को लेमडा से डिवाइड कर दीजिए। लेमडा निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी लेमडा निकालना है तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? ऐसे हम लोग बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज हिजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये? तो जब भी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आता है, मोशन करता है ऑर्बिट में, तो उसका पोजीशन को डेल्टा एक्स बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन हर टाइम इंटरवल में डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन बोलते हैं, और डेल्टा पी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। ये जो इसको अगर हम लोग कभी भी निकालना चाहें तो वो हमेशा बड़ा होता है एच बाई टू पाई से, एच बाई टू पाई। एक मिनट चेक करते हैं, सॉरी फोर पाई, सॉरी गलती बोली, एच बाई फोर पाई। द पोजिशन और मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ये जानना हमेशा अनसर्टन होता है, वो हमेशा इक्वल होता है एच बाई फोर पाई। डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल लाइक व्हाट, इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे वेरी माइक्रो पार्टिकल्स के लागू होता है। और डेल्टा पी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन क्या, मोमेंटम बोलते हैं। तो ये हमेशा बड़ा होता है एच बाई फोर पाई, वेर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात को सबसे पहले हिजेनबर्ग ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए नाम पड़ गया हिजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजिशन डेल्टा एक्स एंड वेलोसिटी, सॉरी एंड मोमेंटम, सॉरी एंड मोमेंटम डेल्टा वी इन ए गिवन टाइम। इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई फोर पाई, हमेशा एच बाई फोर पाई से बड़ा ही मिलता है। इसको एक्यूरेटली निकालना पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच बाई पाई। इसी थ्योरी का नाम है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। इसका यूज आगे होगा इसलिए बताया जा रहा है, नोट कर लीजिए।